पहलवान है, जूनियर पहलवान हो गए या सीनियर पहलवान जितने भी हैं हमारे, उनके परिवार वाले से बोलूंगा कि इस हकीकत को आप जानिए और समझिए और कुश्ती के लिए अपनी आवाज उठाइए। और ये जो एडो कमेटी ने ये जो निर्णय लिया है मेरी नजर में बिल्कुल साफ गलत है, इसका कोई भी पैमाना नहीं है, कोई भी क्राइटेरिया इसका नहीं बनाया है। नमस्कार, मैं नाजमिन खान और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। एक तरफ महिला पहलवान खिलाड़ी ब्रिजभूषण सरन सिंह की गिरफ्तारी चाहती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ और पहलवान हैं जो ब्रिजभूषण सरन सिंह को बचाने के लिए उतरते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में योगेश्वर दत्त का नाम शामिल होता हुआ नजर आ रहा है। ब्रिजभूषण सरन सिंह को बचाने के लिए महिला पहलवान खिलाड़ियों पर ही आरोप लगाए जा रहे हैं। योगेश्वर साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो आंदोलन किया गया था ये ब्रिजभूषण सरन सिंह को फंसाने के लिए नहीं, ब्रिजभूषण सरन सिंह की गिरफ्तारी के नहीं ली, बल्कि यहाँ पर गेम में उनका नाम शामिल हो सके और बिना प्रैक्टिस के वो यहाँ पर मैदान में उतर सके, इसलिए सारी चीज़ें की गई थी। दरअसल आपको बता दें कि एशियाई गेम की शुरुआत होने वाली है, विश्व चैंपियनशिप की भी शुरुआत होने वाली है। ऐसे में ये कहा गया था कि जो पहलवान यहाँ पर ब्रिजभूषण सरन सिंह के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनका क्या होगा, वो कैसे प्रैक्टिस करते हुए नजर आएंगे, क्या यहाँ पर महिला पहलवान खिलाड़ियों की बात की जाए तो इसमें विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और जो संगीता फोगाटर और अन्य जो पहलवान हैं यहाँ पर, क्या वो यहाँ पर गेम खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, क्या एशियाई गेम में उनका नाम हटता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में चिट्ठी लिखी जाती है और यहाँ पर ये देखा जाता है कि गुजारिश की जाती है कि ऐसे में उनको मौका दिया जाए, या तो समय सीमा आगे बढ़ाई जाए या फिर कुछ ऐसा किया जाए जिससे ये पहलवान यहाँ पर खेल सकें और अपने देश का नाम रोशन कर सकें। तो ऐसे में देखा गया कि जो ओलंपिक संघ है उन्होंने साफ तौर पर जो एडहॉक कमेटी होती है उन्होंने ट्रायल में छूट दी, यानी कि जो ये पहलवान हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं इसमें जितने भी पहलवान हैं, यानी कि इसमें साक्षी मलिक है, बजरंग पुनिया है, विनेश फोगाट है, साक्षी मलिक है और यहाँ पर विजेंद्र है, जितने भी यहाँ पर पहलवान हैं वो यहाँ पर ट्रायल में जा सकते हैं, वहाँ पर खिलाड़ी को हरा सकते हैं और उसके बाद मैच खेल सकते हैं, यानी कि एशियाई गेम में जा सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर ट्रायल करना होगा, ट्रायल में यहाँ पर आपको अपनी मेहनत दिखानी होगी, इसी में ये छूट दी जाती है, जिसके बाद यहाँ पर योगेश्वर दत्त इसी छूट पर यहाँ पर हमलावर साबित होते हैं और ये कहते हुए नजर आते हैं कि एडहॉक कमेटी ने जो भी फैसला लिया है ये गलत फैसला लिया है, यहाँ पर महिला पहलवान खिलाड़ियों को जो छूट दी जा रही है सरासर गलत है, ऐसी छूट नहीं दी जानी चाहिए, जिसको लेकर योगेश्वर दत्त काफी कुछ बोलते हुए नजर आते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं महिला पहलवान खिलाड़ियों को लेकर, देखिए इस रिपोर्ट में। सभी नमस्कार, मुझे आज ही न्यूज़पेपर के माध्यम से पता लगा है कि आईओए ने जो अभी एडो कमेटी बनाई थी उन्होंने एक निर्णय लिया है कि जो भी ये पहलवान प्रदर्शन कर रहे थे जंतर मंत्र के 6 पहलवान, इनको ट्रायल में छूट दी गई है, इनकी बस फाइनल ट्रायल होगी, जो पहलवान अपने वेट कैटेगरी जो इनके वेट कैटेगरी में विजेता होगा उनके साथ बस ये फाइनल ट्रायल होगी। मेरे को नहीं पता कि आईओ की एडो कमेटी ने क्या मापदंड अपनाए हैं, क्या क्राइटेरिया बनाया है इनका ऐसी ट्रायल लेने का, डायरेक्ट फाइनल ट्रायल लेने का, और वो भी 6 पहलवानों का। अगर आपको ऐसे ही ट्रायल लेनी है तो रवि दहिया है, ओलंपिक का मेडलिस्ट है, कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड मेडलिस्ट है, दीपक पुनिया है, कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड मेडलिस्ट है, ओलंपिक में फोर्थ प्लेस आई थी, अंशु मलिक है, वर्ल्ड की सिल्वर मेडलिस्ट है, ओलंपियन है, सोनम मलिक है, और भी बहुत से पहलवान हैं जो इस देश में नंबर वन है, पर बस आपने 6 पहलवानों के लिए ट्रायल में छूट देना मेरी समझ से बाहर है और ये सरासर गलत है। ऐसा तो आज तक जो पहली फेडरेशन थी उसने भी नहीं किया, जो फैसला आपने लिया है बिना कोई नियम देखे, बिना कोई क्राइटेरिया बनाए। तो मैं सभी हमारे जितने भी पहलवान हैं ग्रीको रोमन के, फ्री स्टाइल के और लड़कियां, तो आप अपनी आवाज जरूर उठाइए। मैं ये नहीं बोले कि आप
धरना कीजिए, प्रदर्शन कीजिए, आप खूब मेहनत कीजिए पर आप अपनी आवाज उठाइए, मीडियम के माध्यम से उठाइए, आप प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखिए, गृह मंत्री जी को पत्र लिखिए, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी को पत्र लिखिए, आईओए को आप पत्र लिखिए और जो ये फैसला है कमेटी का इसे अवगत कराइए। आज तक के इतिहास में, कुश्ती इतिहास में कभी पिछली फेडरेशन ने भी ऐसे फैसले नहीं किए। उन्होंने ट्रायल बिना ट्रायल के भी टीम भेजी है पर वो नंबर वन टीम भेजी है। ट्रायल में छूट भी दी गई है पर वो सबके लिए नहीं थी। जो आउटस्टैंडिंग पहलवान था और करंट में जिसने अच्छी परफॉर्मेंस की थी उसने, ये पहलवान तो लगभग एक साल से मैच से ही दूर है, शायद एक साल से ज्यादा हो चुका होगा ये मैच से दूर रहे हैं, तो बिल्कुल गलत है। और मेरे हमारे जितने भी खाप के प्रतिनिधि थे, खाप पंचायतें हैं, किसान संगठन हैं, आप भी एक बार इस फैसले को जरूर देखिए क्योंकि इस आंदोलन में आपने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। और ये जो फैसला है ये किसके लिए अच्छा और किसके लिए बुरा है, वो मेरा मानना है कि कुश्ती के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा फैसला नहीं है। जो हमारे जूनियर पहलवान हैं, जो भी अभी चैंपियन, अभी वर्ल्ड एक पहलवान हमारा अंडर 23 की वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लेके आया है और ऐसे बहुत से पहलवान हैं, अमन है जो एशिया चैंपियन है, ऐसी लड़कियों में भी फ्री स्टाइल में, ग्रीको रोमन स्टाइल में, तो ये एक बिल्कुल गलत नींव रखने की कोशिश की गई है एडो कमेटी द्वारा। तो हमारी खाप पंचायतें हैं, किसान संगठन है, तो आप भी एक बार इस हकीकत को जानिए, ये जो प्रदर्शन हुआ था ये यौन शोषण के लिए हुआ था या छूट के लिए हुआ था ट्रायल में। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जहां तक मेरे को पता लगा है इन पहलवानों ने लेटर लिखा है बायकायदा एडो कमेटी को कि हमें ट्रायल में छूट दी जाए और इस ट्रायल को भी आगे बढ़ाया जाए। जो यौन शोषण के मामले हैं वो कोर्ट में है, कोर्ट उसका फैसला करेगा, जिसने कुछ गलत किया है तो उसको सजा मिलेगी। एक हमारे हरियाणा में एक कुश्ती की कष्ट निवारण समिति बनी थी जिसके मुखिया, जिसको आगे बढ़ाने के लिए हमारे रणबीर डाका कोच साहब, हरियाणा में बड़े आदर्श उनका नाम लिया जाता है, हम भी बड़ा सम्मान करते हैं उनका, एक ज्ञान कोच साहब जो शैडो कमेटी का हिस्सा है और उनके रहते हुए फैसला हुआ है। तो आप भी एक बार इस पर विचार कीजिए कि आपने जो कुश्ती की कष्ट निवारण समिति बनाई थी, कमेटी बनाई थी, तो आपने क्या इसके मापदंड रखे हुए थे। और पहलवानों को मैं एक बात और बताता हूं कि ये कुश्ती के लिए मैंने आज ये बातें बोली हैं और जहां पे कुश्ती के साथ कुछ लगता है मेरे को तो मैं बोलता हूं, इसमें मेरा कोई भी निजी स्वार्थ नहीं है। बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे राजनीति पार्टी से हूं मैं तो राजनीति कर रहा हूं, तो मेरा कोई भी दूर दूर से कोई लेना देना नहीं है और ना मैं ऐसी घटिया और ऊंची राजनीति कभी करता जिससे खेल को नुकसान हो। और आज मेरे को कोई दो लोग भी जानते हैं तो कुश्ती की वजह से जानते हैं, तो कुश्ती के साथ हम ऐसे धोखा नहीं कर सकते। जहां पर कुश्ती को मेरे को लगा कि ये कुश्ती के साथ गलत हुआ है, हमारे जूनियर पहलवानों के साथ गलत हुआ है, तो मैंने बोला है। आप पहलवानों से एक बात और बोलता हूं, जहां पे अगर मेरी जरूरत पड़े तो आप मेरे को जरूर बताना पर अपनी आप आवाज जरूर उठाइए, आप सबसे मिलिए, फोन पे बात कीजिए कि ऐसा क्यों हुआ कि बस छह पहलवानों को ही ट्रायल में छूट दी गई जो जंतर मंत्र पे प्रदर्शन कर रहे थे। उससे अलग भी हमारे पास कॉमनवेल्थ गेम्स की मेडलिस्ट है, वर्ल्ड के मेडलिस्ट हैं, ओलंपियन भी हैं, उनको छूट नहीं दी गई है। आपसे बस मैं इतना ही कहूंगा कि जहां पे कुश्ती की बात आती है तो आप अपनी आवाज उठाइए। और भी जितने परिवार वाले हैं ना, पहलवान हैं, जूनियर पहलवानों के या सीनियर पहलवान जितने भी हैं हमारे, उनके परिवार वाले से बोलूंगा कि इस हकीकत को आप जानिए और समझिए और कुश्ती के लिए अपनी आवाज उठाइए। और ये जो एडो कमेटी ने ये जो निर्णय लिया है मेरी नजर में बिल्कुल सरासर गलत है, इसका कोई भी पैमाना नहीं है, कोई भी क्राइटेरिया इसका नहीं बनाया है, इन्होंने डायरेक्ट ये एक जो फैसला लिया है ये बिल्कुल तानाशाही वाला है। ऐसा फैसला तो आज तक किसी फेडरेशन ने भी नहीं लिया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
जैसे कि आपने योगेश्वर दत्त को सुना, उसके बाद यहाँ पर विनेश फोगाट का एक ट्वीट सामने आता है जो सच्चाई बताती है कि किस तरीके से कमेटी में इनका नाम भी शामिल था। कमेटी में नाम होने के तहत यहाँ पर उन्होंने उन महिला पहलवान खिलाड़ियों के बारे में नहीं सोचा, जिन शिकायतकर्ताओं ने अपनी शिकायत दर्ज करवाई उसको लेकर नहीं सोचा, बल्कि यहाँ पर यह देखा गया कि योगेश्वर दत्त खुद ही बृजभूषण सरन सिंह को बचाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर विनेश फोगाट ने साफ तौर पर जाहिर किया कि बृजभूषण सरन सिंह का बचाव कर रहे हैं योगेश्वर दत्त, और ऐसे में उसकी चापलूसी करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका चुनाव भी हुआ और कई बार अध्यक्ष पद के चुनाव पे वो हार भी चुके हैं, इसलिए बृजभूषण सरन सिंह का बचाव कर रहे हैं कि बिना चुनाव के उनका नाम शामिल हो जाए। अब ऐसे में विनेश फोगाट ये कहती है कि कई शिकायत यहाँ पर देखी गई थी, लेकिन योगेश्वर दत्त ने हंसी में उसको लेते हुए, मजाक उड़ाते हुए उन पहलवानों का एक तरीके से कह दिया था कि बृजभूषण सरन सिंह का आप कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, बृजभूषण सरन सिंह के खिलाफ जो भी शिकायत दर्ज करवाई गई है आप उन्हें वापस ले लीजिए। ये सारी चीजें कहते हुए योगेश्वर दत्त साफ तौर पर नजर आए। तो ऐसे में विनेश फोगाट ने ये कहा कि अब ये तमाम सबूतों को लेकर वो कोर्ट की तरफ रुख करते हुए नजर आएंगे। सीधे तौर पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से तो इंसाफ नहीं मिला, क्योंकि बार बार सुनवाई की तारीख दे दी जाती है। तो ऐसे में विनेश फोगाट का साफ तौर पर कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए नजर आएंगे, और जिस तरीके से योगेश्वर दत्त बृजभूषण सरन सिंह को बचा रहे हैं ये दोनों ही यहाँ पर फंसते हुए नजर आएंगे, और यहाँ पर इनकी साजिश बेनकाब होगी और महिला पहलवान खिलाड़ियों को इंसाफ मिलेगा। अब इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।